हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने चाह रही हूँ एक बहुत सी छोटी चीज़ की लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। ये देखिए हमारे पास है, जिसका नाम है ओम प्रभात किचन वेयर लार्ज मेस सिंक ड्रेनर, जिसके काम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिवेंट फूड स्क्रैप फ्रॉम क्लोगिंग योर किचन सिंक, स्टेनलेस स्टील मेस विल नॉट रस्ट, डिजाइन टू फिट स्टैंडर्ड किचन सिंक डिश वॉश शेप, 304 स्टेनलेस स्टील एंड वायर मेस। ओके, तो ये मैंने खरीदा है डी मार्ट से। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये मैंने लिया है 59 रुपीज़ में, जबकि इसका MRP रेट है 86 रुपीज़। तो डी मार्ट में जो है चीज़ें डिस्काउंट में मिल जाती है, तो मैंने 59 रुपीज़ में लिया है। ये इतनी बढ़िया चीज़ है ना, जब तक मेरे पास ये चीज़ नहीं थी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आती थी मेरे किचन सिंक में कि चीज़ें अटक जाती थी, कितना भी सफाई कर लो चीज़ें अटक जाती थी। जब से मुझे ये मिला है तो मेरे किचन सिंक जो है काफ़ी सेफ है और ख़राब नहीं होती, सालों तक चलती है। क्योंकि वो जब सिंक में चीज़ें अटक जाती है तो क्या होता है कि ज़्यादातर किचन का सिंक जो है ख़राब हो जाता है, इवन वायर वगैरह भी ख़राब हो जाती है, नीचे के पाइपलाइन वगैरह ख़राब हो जाती है तो चेंज करना पड़ता है। तो ये इतनी बढ़िया सा चीज़ है ना, ये देख सकते हैं आप, तो ये इतनी अच्छी चीज़ है, देखने में छोटी चीज़ है लेकिन ये इतनी काम की है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, तो ये आराम से आपको डीमार्ट में मिल जाएगा, बाकी जगहों में भी मिल जाएगा। डीमार्ट में मैंने 59 में लिया है, तकरीबन 1 रुपये कम, 60 रुपीज़ में मैंने लिया है। हाँ, थोड़ा सा चीज़ के हिसाब से थोड़ा महंगा तो लग रहा है, लेकिन ये इतना काम देता है ना कि तकरीबन साल भर तो ये अच्छे से यूज़ करेंगे तो साल भर तो ये चल ही जाएगा। ठीक है, मैं पूरा 1 साल के बाद मैं पुराना वाला चेंज कर रही हूँ, पुराना वाला निकाल के ये चेंज कर रही हूँ। पुराने वाले थोड़ा सा ये निकल गया था जाली, तो मुझे उसे वॉश करते वक्त, सफाई करते वक्त थोड़ा हाथ कटने के, हाथ में लगने के डर होते हैं, इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ। अदरवाइज़ फिर भी वो ठीक था, तो मैं अब नया लगाने जा रही हूँ, सोचा आपको रिव्यू कर दूँ। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपका किचन सिंक जो है वो बहुत लंबे समय तक टिकेगा, जो पाइप वगैरह है वो भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे और पानी टपकना भी बंद हो जाएगा इसकी वजह से। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें होती है ना जो गंदगी किचन में फंस जाती है, पाइप में सिंक में, तो उसकी वजह से किचन सिंक जो है जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो ये काफ़ी सेफ्टी का काम करेगा, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए देखते हैं, तो बहुत ही बेस्ट और अच्छा सिंक ड्रेनर है, स्टील का है। तो ये ड्रेनर अब चलो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने पुराना वाला निकाल दिया है, अब ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ये लगा लेंगे, ये देखिए। और अच्छी बात क्या है कि किसी भी सिंक में ये फिट हो जाएगा, यू नो, किसी भी सिंक के होल में फिट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये अगर फिट नहीं बैठेगा तो चीज़ें फिर नीचे से जाके अटकने लगती है। तो ये मेरे सिंक में अच्छे से फिट हो रहा है, तो ये देख सकते हैं हम। अब पानी ऑन कर देती हूँ मैं, ये देखिए है ना कितना बढ़िया है। ये बर्तन साफ करते हुए जो भी चीज़ें इसमें अटकेंगे नीचे से नहीं जाएगा बिल्कुल, ये नीचे से चीज़ चली जाती है तो यहाँ पे अटक जाती है, तो ये इसको नीचे जाने नहीं देता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। और इसकी अच्छी बात क्या है, जब इसमें कोई चीज़ अटक जाती है तो आप इसको डेली साफ करें, साफ भी कर सकते हैं हम डिश वॉशर से, ब्रश से हम इसको साफ भी कर सकते हैं, तो ये अच्छे साफ हो जाता है। इसमें कोई इसका होल जो बंद नहीं होता है, साफ कर एक बार दिन में एक बार साफ कर देने से इसके जो होल अगर किसी प्रकार से बंद हो गए तो वो भी खुल जाते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, और किसी भी सिंक में ये अच्छे से फिट हो जाता है। अगर आप किचन सिंक जो है ब्लग होने की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो प्लीज़ ये लेके आइए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तकरीबन ये 1 साल तो कुछ भी नहीं होगा, तो 59 रुपीज़ में आपका किचन सिंक 1 साल तक अच्छे से चलेगा, तो बहुत बढ़िया बात है। ये ड्रेनर ला के जरूर लगाए, बहुत ही अच्छा ड्रेनर है ये। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और ये डीमार्ट में आसानी से मिल जाएगा, बाहर भी आप खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको किचन सिंक ब्लॉक होने से प्रॉब्लम से परेशान हो तो ये आप कर सकते हो, आपका किचन सिंक कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, और साफ सुथरा रहेगा इसकी वजह से, क्योंकि चीज़ें अटकेंगी नहीं तो आप इसको साफ करना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय।